जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली परिसर में नारी सम्मान व सशक्तिकरण विषय पर जागरूक करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के थाना चलो अभियान के तहत जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली परिसर में नारी सम्मान व सशक्तिकरण विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में क्षेत्र की काफी छात्राओं और महिलाओं ने भागीदारी की। गोष्ठी के माध्यम से महिलाओं को जानकारी प्रदान की गई कि उनकी सहायता के लिए सरकार की ओर से कौन कौन से नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल करके वे सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस गोष्ठी के विषय में पुलिस अधीक्षक संबल यमुना प्रसाद ने बताया कि महिलाएं थाने में आने में संकोच करती हैं, जिसको दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने थाना चलो अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आज जनपद संबल के सभी थानों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और महिलाओं को जानकारी दी गई है। देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल थी संभल डिस्ट्रिक्ट के, बल्कि सभी लोगों का। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसको चालू किया है और सर ने हम लोग को बताया कि पहली बात तो महिलाएं थाने आने से डरे नहीं, क्योंकि अब तक ये डर था कि थाने में आते हुए देखेंगे तो थोड़ा सा शर्म महसूस होती थी, तो आज उस झिझक को पूरा हटाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1090 का विस्तार से बताया गया, 181 का विस्तार से बताया, एंटी रोमियो स्काउट के बारे में बताया, 112 बताया और विभिन्न धाराएँ जिनके अंतर्गत पुरुषों को सजा हो सकती है उसके बारे में भी बताया। साथ में ये भी बताया कि महिलाओं के साथ साथ हमें अपने लड़कों को भी शिक्षित करना है ताकि वो अच्छे संस्कार लेके ऊपर आए और एक अच्छा समाज सोसाइटी को दें। दूसरी कोतवाली में यहाँ पर नारी सुरक्षा सम्मान का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें महिलाओं को जागरूक किया गया है कि उन्हें अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा कैसे करनी है। हमारे साथ हैं अंजू भदौरिया जो एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभारी हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरह से ये लोगों को अवेयर करेंगे, किस तरह से लोगों को समझाएंगी। जी मैडम बताइए। मेरा नाम अंजू भदौरिया है, एंटी रोमियो स्क्वाड इंचार्ज हूँ, महिला थाना इंचार्ज भी हूँ। यहाँ पर आप लोग पहले से ही जानते हैं कि स्क्वाड किस तरीके से काम कर रहा है। ये जो आज का प्रोग्राम थाने पर रखा गया है, ये जनपद संभल के सभी थानों में आपको आयोजित किया गया है। आप देखेंगे ये इसलिए किया गया है कि कोई भी महिला हो या कोई बच्ची हो, कोई जिसके साथ अगर कोई किसी भी तरीके की समस्या आ रही हो, कोई टीजिंग से रिलेटेड है, कोई डाउरी से रिलेटेड है, कोई आप घरेलू हिंसा से रिलेटेड है, किसी भी तरीके की हो, जिस तरीके से परेशान महिलाएं आती हैं, वो अपनी थाने जाएं, निसंकोच होकर, निर्भीक होकर थाने जाएं और थाने जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, बर्दाश्त ना करें और उसका सामना करें, हिम्मत के साथ सामना करें। इसलिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। महिला थाने के अलावा, महिला थाने में तो महिलाएं जा ही सकती हैं क्योंकि वो महिला थाना है, लेकिन सामान्य थाने जो जनपद में हैं उन सभी थानों में एक महिला डेस्क की व्यवस्था की गई है। महिला डेस्क पे एक महिला कांस्टेबल तैनात रहती है, वहाँ पर आप जब महिला कोई जाएगी तो वो उससे अपनी परेशानी देख कर बता सकती है और निर्भीक होकर, निसंकोच होकर वो अपनी समस्या बताए, उसका समाधान किया जाएगा। और अगर सपोज़ कीजिए कि वो उस थाने से संबंधित नहीं है तो वो उसे उचित स्थान पर भेजेगी, बताएगी कि आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, ताकि उसकी पूरी मदद की जा सके। इस तरीके की व्यवस्था की गई है और जैसा प्रोग्राम आज आप देख रहे हैं, हमारे द्वारा गांव देहात की महिलाओं के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा, उनको भी जाकर बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी परेशानी किसको बता सकते हैं, आप अपनी परेशानी का सामना कैसे कर सकते हैं, इस बारे में उनको जागरूक किया जाएगा। आज जनपद संभल में सभी 11 थानों पे चलो थाना अभियान चलाया गया है, जिसमें महिलाओं को, बहनों को, बच्चियों को, सभी को थाने में बुला करके उनको अवेयर किया गया है, उनको कानूनी जो उनके अधिकार हैं उनसे उनको जागरूक किया गया है। जो अभियान चल रहा है सरकार और शासन का, उसे उन्हें बताया गया है। हमारा जो नंबर है 1090 विमेन पावर लाइन का, 112 जो पुलिस नंबर है और 181 जो हमारा सहायता नंबर है, इन सभी से अवेयर कराया गया है। ये अपेक्षा की गई है कि जो महिलाएं हमारे थाने आने से डर लगता था, घबराहट होती थी, उनको दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कोई भी महिला कभी भी अपनी समस्याओं को थाने में आकर के स्वतंत्र रूप से कह सके। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क शुरू है, वहाँ पे महिलाएं ही बैठती हैं उनकी बातों को सुनने के लिए और उनका सुचारू रूप से समाधान करने के लिए। महिलाओं को सम्मान और उनके अधिकार को जानने के लिए ये कार्यक्रम सभी थाना क्षेत्रों में आयोजित किया गया है, उनको अवेयर करने के लिए कि कानूनी प्रक्रियाओं में वो कहीं भी कमज़ोर नहीं है, उनको अधिकार दिया गया है शासन द्वारा, विधि द्वारा, संविधान द्वारा और सरकार के द्वारा। तो सरकार की मंशा के अनुरूप ये कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें जागरूक किया गया और थाने में आने में हिचकिचाहट ना हो, इसलिए ये कार्यक्रम
सभी थानों में आयोजित किया जाए। अरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो बदतमीजी कुछ लोग करते हैं इसके लिए सर कौन सा नंबर है? ये सभी 112 पे कह सकते हैं आप, 1090 पे बता सकते हैं, या महिला हेल्प डेस्क जो हमारी थानों में चल रही है वहाँ पे आकर के आप सोशल मीडिया में अगर किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी है या कोई वीडियो अपलोड किया गया है या कोई भी ऐसा कार्य जो महिलाओं के सम्मान गरिमा के खिलाफ है उन सभी की विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए व्यवस्था की गई है।